मैं वहाँ आसपास मेरठ मुजफ्फरनगर दिखाता रहा, तो किसी ने कहा नहीं कि कोई गारंटी नहीं, हम ऑपरेशन तो कर देंगे, कोई गारंटी नहीं होगी इसकी, हाथ अच्छा भी रह गया, मोमेंट खत्म हो जा, जाम हो जा। हाथ के मेटाकार्पल फ्रैक्चर के बाद अधिकांश उपचार 3 से 4 सप्ताह के बीच होता है। इससे परे दर्द और बेचैनी होना सामान्य है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप उन गतिविधियों को करने की कोशिश करते हैं जो आपने कुछ समय से नहीं की हैं। चोट के बाद कई महीनों तक क्षेत्र का अधिक संवेदनशील होना भी सामान्य है। तो ये पेशेंट हमारे पास उत्तर प्रदेश से आए थे, जो कि मेरठ के आसपास है एरिया, गुड़गांव से आए थे, और इनको कितने टाइम से प्रॉब्लम थी? वो 4 महीने से। 4 महीने पहले इनको चोट लगी थी, उसके बाद ये यहाँ पे उभार आ गया था और यहाँ पे दर्द रहता था और इनको प्लास्टर लग चुका था और उंगलियाँ मुड़ने में दिक्कत थी। तो इनसे पूछते हैं ये इतनी दूर हमारे पास क्यों आए, और आज इनको 3 हफ्ते, कितने, 6 हफ्ते, 6 हफ्ते, 6 हफ्ते ऑपरेशन के हुए हैं। इसमें अगर ऐसे देखेंगे हाथ तो कहीं से दिख भी नहीं रहा है, इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट, मूवमेंट। और दिखाता जरा एक बार ऐसे, बिल्कुल मार सकते हो, किसी को पकड़ सकते हो अब तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। तो हमने कितने टाइम की दवाई दी थी आपको? 5 दिन की सर। ओनली 5 डेज मेडिसिन, और कोई भी काम करने के लिए रुका था? नहीं, नो सर। ऑपरेशन में दर्द हुआ था? नो सर। थोड़ा वो तो होगा, पता ही नहीं लगा सर, पता ही चला। ठीक है, आप अपनी पूरी स्टोरी सुना दे, कैसे हुआ था? सर मैं बाइक स्लिप हो गई, बाइक स्लिप हो गई थी, बाइक जाते हुए तो हाथ रोड में लग गया था, ठीक है, उसकी वजह से ये इसमें दर्द था। डॉक्टर ने बताया मांस फट रहा, ठीक है, तो 1-2 महीना ऐसे टहलाते रहे। तो बाद में मैं दिखाया अच्छे डॉक्टर को, उन्होंने बताया कि इसमें तो हड्डी खिसकी हुई है, अब इसका ऑपरेशन होगा, ठीक है। मैं वहाँ आसपास मेरठ मुजफ्फरनगर दिखाता रहा, तो किसी ने कहा नहीं कि कोई गारंटी नहीं, हम ऑपरेशन तो कर देंगे, कोई गारंटी नहीं होगी इसकी, हाथ अच्छा भी रह गया, मोमेंट खत्म हो जा, जाम हो जा। तो फिर मैं यूट्यूब वगैरह से देखा आपके आपके बारे में जानकारी के लिए, आपकी वीडियो देखी बहुत सारी, मुझे थोड़ा विश्वास हुआ, तो मैं फिर दिखाने आया आपसे, जी से बात हुई फ़ोन से, एक्सरे भेजे मैंने इनके पास में, इन्हें कहता आ जाओ डॉक्टर साहब से मुलाकात कराएंगे, आपसे मिले के तो मिल के डर नहीं लगा यार, ये तो ऑपरेशन बोल रहा है? नहीं लग सर, नहीं रहा डॉक्टर जैसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था सर, नहीं पक्का नहीं, विश्वास था सर, ठीक है। लेकिन तुम्हें डर तो लग रहा था? नहीं, ये तो ऐसा बार बार सोच रहे थे सर डर तो नहीं होगा, डर तो नहीं होगा। हाँ सर, वो तो थोड़ा सा होता ही है सर। तो फिर जब छुट्टी कर दी मैंने कहा आप दोबारे डायरेक्टली 6 हफ्ते बाद आना है, कुछ नहीं आना, तो डर नहीं लगा यार सर बीच में एक बार दो बार तो बात? हाँ सर, मैं आपने कहा था बात कर लेना कोई ऐसी बात हो तो बात की, बीच बीच में आपने कहा कुछ नहीं आज, तो सारा काम करने के लिए कोई रोका नहीं था हमने? नहीं सर, सारा काम कर सकते हैं। मैं ड्यूटी भी की उसमें, ड्यूटी भी कर ली है। एक अच्छा, तो हमसे डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल। मेरे को ध्यान है इन्होंने मुझे एक वर्ड बोला था कि सर मुजफ्फरनगर में सबसे बड़े डॉक्टर हैं, हमने उनको भी दिखा लिया है और उन्होंने भी हमें ऐसा बोला है। तो मैंने इनको ये बताया था कि आपको डॉक्टर से कंपेयर नहीं करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सारे अच्छे होते हैं, हम इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, बस यही मैं आपको बोल सकता हूँ, तो उस चीज़ का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, यही बोला था मैंने। हाँ ये सर, मैं बहुत खुश हूँ सर इस जब से, है ना, पक्का ना, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया बिल्कुल सर। अब दोबारा किसी से एक्सीडेंट मत करना बिल्कुल सर, ओके।